लैंडिंग पेज का कोर्स 3 में हम आज देखेंगे। इससे पहले आपको लैंडिंग पेज के बारे में समझाया गया था कि लैंडिंग पेज क्या होता है, एक नॉर्मल वेबसाइट क्या होता है और दोनों के बीच में अंतर आपको समझाया गया था, ठीक है। उसके बाद लैंडिंग पेज मतलब का सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है और कौन सा सॉफ्टवेयर में हम काम कर सकते हैं और लैंडिंग पेज मतलब होता क्या है, लैंडिंग पेज कैसे बनाएंगे, ये चीज़ हम पहले समझेंगे आज के वीडियो में। पिछले वीडियो में हम अंतर जान गए थे, दो वीडियो में जाने अंतर, और मैं आपको आज बताऊंगा कि लैंडिंग पेज मतलब लैंडिंग पेज क्यों बनाया जाएगा, मतलब किस किस सेक्टर में बनाया जाएगा, मतलब लैंडिंग पेज किस टाइप से बनाया जाता है, लैंडिंग पेज का बनाने का फायदा है। और बटन को प्रेस कर दो, लाइक बटन को, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चलिए हम बोर्ड पे बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लैपटॉप में मतलब बोर्ड में ही आज पढ़ेंगे, बोर्ड में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक लैंडिंग पेज का कैटेगरीज होता है। लैंडिंग पेज का दो कैटेगरीज होगा, ठीक है, दो कैटेगरी होगा, एक लीड जनरेट होगा और एक सेल होता है, ठीक है। तो दो गोल है, मतलब लैंडिंग पेज का दो गोल होता है, एक लीड जनरेट करना और एक सेल करवाना, ठीक है। मतलब किसी कस्टमर को लेकर के अपने पेज पे लाना और एक होता है कि कोई प्रोडक्ट को सेल करवाना, लैंडिंग पेज का ये काम होता है, ठीक है। तो दो गोल हैं, तो फर्स्ट गोल का हम पहले फर्स्ट गोल लेंगे लीड जनरेशन, ठीक है। लीड जनरेट का हम लेंगे कि लीड जनरेट होता है कैसे है, ठीक है। सपोज एक जिम ट्रेनर है, ठीक है, वो एक जिम ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। वो एक वेबसाइट बनाए जिसमें सारा चीज़ एक ई बुक देना चाहते हैं कि मतलब एक फिटनेस लाने के लिए किस टाइप से क्या मतलब डाइटिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा मतलब ई बुक में दिया हुआ है। वो क्या कर रहे हैं, वो फ्री में देना चाहते हैं, ठीक है। तो वो क्या किए, लैंडिंग पेज बनाएंगे, क्या करेंगे, लीड जनरेट करने के लिए क्या किए, वो ई बुक फ्री में दिए। तो वो लैंडिंग पेज कैसे बनाएंगे, लैंडिंग पेज उनका बनाएंगे कैसे, एक लैंडिंग पेज है, इसमें क्या कर देंगे, आपका लीड डालेंगे, मतलब डिजिटल तरीका से कुछ भी एक ई बुक डाल देंगे, ठीक है। अब क्या करेगा, कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, एक लैंडिंग पेज बनाएंगे उसके मतलब ये लिखेंगे और उसके बारे में कुछ थोड़ा सा एक प्रोडक्ट देंगे, उसके प्रोडक्ट के बारे में लिख देंगे, ठीक है। तो ये लीड हो गया बनाएंगे लैंडिंग पेज के थ्रू। क्या करेंगे, कोई भी व्यक्ति अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कोई ऐसे तो देगा नहीं, तो उसके लिए उसके बदले तो कुछ तो उसको चाहिए, तो उसके लिए उसको एक जैसे ई बुक हम उसको फ्री में दे दिए, ठीक है। अब वो क्या करेगा बंदा, ई बुक अगर फ्री में उसको चाहिए तो मेरे लैंडिंग पेज पे जाएगा, लैंडिंग पेज पे जाने के बाद वहाँ पे ई बुक दे देंगे और वो क्या करेगा, फॉर्म दे देंगे, ठीक है। वहाँ पे बोल देंगे कि इस फॉर्म को फिलअप करो, यानी ईमेल आईडी नाम वगैरह डाल करके कॉन्टेक्ट नंबर डाल करके ये फिलअप करो, आपको लैंडिंग पेज फ्री में मिल जाएगा। तो वो जैसे ही कोई बंदा मेरे फॉर्म को फिलअप करेगा तो अपना सारा डिटेल्स दे करके, तो उसको लीड मैग्नेट मिलेगा, मतलब मुझे क्या मिलेगा, लीड मैग्नेट मिल गया। तो मतलब कोई बंदा मेरे पेज पे आएगा, लैंडिंग पेज पे आएगा, वो अपना डिटेल्स डालेगा तो मुझे लीड मैग्नेट मिल गया और वो उसको फ्री में आपको मिल गया, आपको उसका ई बुक मिल गया और हमें क्या मिल गया, बेनिफिट हमें क्या हुआ कि उसका सारा डिटेल्स मतलब ईमेल आईडी या हमें कॉन्टेक्ट नंबर मिल गया। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर हम फ्यूचर में अगर कोई पेड वर्जन मतलब पेमेंट वाले चीज़ को हम अगर प्रमोट उसको देना चाहते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके ईमेल या मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू हम उसे लीड दे सकते हैं ताकि वो मेरे पेड वाले वर्जन को भी खरीदे और इनरोल करे, ठीक है। तो ये हो गया, तो जानेंगे कि लीड मैग्नेट किस टाइप का होना चाहिए। तो लीड मैग्नेट ये जो देख रहे हैं लीड मैग्नेट किस तरीके का होना चाहिए, लीड मैग्नेट होगा वो किस तरीके से होना चाहिए, ई बुक आप देख लीजिए, लीड मैग्नेट कितना तरीका का हो सकता है, ई बुक भी हो सकता है, ई बुक होगा, वीडियो में हो सकता है, सीरीज में हो सकता है,
हेल्प बुक हो सकता है, हेल्प बुक हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी बंदा मेरे वेबसाइट मतलब लैंडिंग पेज पे आएगा, लैंडिंग पेज पे, लैंडिंग पेज पे आएगा तो वो फॉर्म को फिलअप करेगा। फॉर्म को फिलअप करते ही मुझे क्या मिलेगा, कस्टमर को, मतलब कस्टमर को क्या मिलेगा, उसको वीडियोज या ई बुक कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम ई बुक देना चाहते हैं तो उसको ई बुक मिल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये फॉर्म को फिलअप करेगा उसको सारा चीज लीड मिल जाएगा। और मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल और जैसे ही फिलअप करेगा उसको थैंक यू पेज मिलेगा, थैंक यू पेज मिलेगा, थैंक यू पेज, थैंक यू पेज मिलेगा। और इसके बदले हमको एक लीड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको क्या समझे कि जैसे अगर हम एक लैंडिंग पेज बनाते हैं और उसमें हम कोई चीज़ फ्री में किसी को देना चाहते हैं तो हमको क्या मतलब हमको क्या मिलेगा, उसके बाद इसका ईमेल या कुछ मतलब डिटेल्स मिल जाएगा, ताकि हम अभी हम फ्री में उसको दे रहे हैं तो बाद में हमको क्या वो कमेंट वाले वर्जन हम कुछ सेल करेंगे तो वो सेल करना है तो हम क्या करेंगे। जैसे हम सपोज आईआईटी का कोचिंग करा रहे हैं, सपोज कोई आईआईटी का कोचिंग कराना चाहता है, आईआईटी का कोचिंग कराना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो अपना सीरीज वीडियो में बनाएगा, वीडियो सीरीज बनाएगा, 5-10 वीडियोस बनाएगा या 5-5 वीडियो बनाएगा जो भी हो। तो वो क्या करेगा, मतलब उसके पास सारा जो डिटेल्स है, उसके मेल है, आईडी है, सबका है, वो क्या करेगा अपना वीडियोस मतलब अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको मेल करेगा कि आप ये ऑफर चल रहा है, आप अगर खरीदना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट में इस चीज़ को भी खरीद सकते हैं, इस लेसन को खरीद सकते हैं, इसमें आईआईटी का कोचिंग कराया जा रहा है, ठीक है। आप पेमेंट देकर खरीद सकते हैं, क्योंकि पेमेंट तभी देगा क्योंकि उससे भरोसा हो गया है ना कि आप तो फ्री में उसको दिए थे तो उससे भरोसा हो गया कि हाँ ये बंदा हमको सही चीज़ सिखाता है ताकि हम इसको खरीद सकते हैं, तो इस खरीदेगा वो, ठीक है। तो वो आपका प्रोडक्ट को खरीदेगा वो। तो आप एक लैंडिंग पेज में सारा डिटेल्स देंगे, ठीक है, लैंडिंग पेज में सारा डिटेल्स देंगे, वो जैसे ही मतलब डिटेल्स फिलअप करके खरीदेगा तो उसको क्या मिलेगा, एक थैंक यू पेज मिलेगा, थैंक यू पेज मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका कंसल्टिंग के लिए हो गया। आप किसी चीज़ को आप किस कस्टमर को कुछ मतलब फ्री में दिए, फ्री में प्रोवाइड करें तो आपको वो अपना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा ताकि आप फ्यूचर में उसको, अगर आप कुछ भी ई बुक सेल करना चाहते हो या वीडियो सेल करना चाहते हो या कोई कोर्स सेल करना चाहते हो तो वो आप उस ईमेल के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू उसे मैसेज दे करके आप उस प्रोडक्ट को सेल करवा सकते हो, ठीक है। तो लैंडिंग पेज का ये सारा मतलब बेनिफिट होता है। अगर आप लैंडिंग पेज सही से बनाते हो तो आप ये सब फ्री में करवा सकते हो, एक लीड जनरेट करवा सकते हो अपने प्रोडक्ट को सेल करके, या मतलब प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या आप कुछ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो उस बिजनेस करना है तो हम एक लैंडिंग पेज बनाते हैं, एक हमको टी शर्ट बेचना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लैंडिंग पेज बनाएंगे, हम लैंडिंग पेज बनाएंगे, एक यहाँ इमेज देंगे, ठीक है, एक टी शर्ट का फोटो डालेंगे और इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख देंगे, ठीक है, डिटेल्स लिख देंगे, टी शर्ट कैसा है, क्या है, नाम है क्या, कौन सा कंपनी का है, ठीक है। और एक हम छोटा सा एक बटन डाल देंगे, ठीक है, बटन डाल देंगे। जैसे ही कोई बंदा इस डिटेल्स को पढ़ेगा वो अपना घर देगा, ठीक है। तो इसका कितना दाम दे देंगे, 399 सपोज दे दिए, ठीक है। हम एक टी शर्ट का दाम 399 रुपया है, ठीक है, और उसके बारे में दे दिए। अब हम क्या करेंगे, ई कॉमर्स के लिए एक लैंडिंग पेज जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और बढ़ा देंगे। क्या करेंगे हम, मतलब जैसे ही मतलब ये बंदा क्या करेगा, इस टी शर्ट को खरीदना चाहता है, ठीक है, वो क्या करेगा, इस बटन को क्लिक करके कार्ड वाले पेज पे जाएगा, नेक्स्ट पेज में जाएगा।
जैसे वो पेमेंट करने जाएगा तो हम वहाँ पर एक और पेज बना देंगे, एक लैंडिंग पेज बना देंगे, एक पेज बना देंगे, वहाँ पर हम क्या करेंगे, थ्री टी शर्ट करेंगे, थ्री टी शर्ट दे देंगे और उसका दाम दे देंगे 699। ठीक है, अगर आप एक टी शर्ट 399 में खरीद रहे हो, अगर हम आपको थ्री टी शर्ट 699 में दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं खरीदोगे, कोई भी अब भी खरीदेगा कि हाँ अगर एक टी शर्ट हमको 399 में दे रहा है तो हम क्या करेंगे, तीन टी शर्ट हम 699 में दे देंगे। वो क्या करेगा, इस चीज़ को छोड़ करके ये 699 वाला वो खरीद सकता है। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि अपसेल हो गया, अपसेल हो गया मेरा। ठीक है, खरीदना था उसको 399 का, एक टी शर्ट खरीदना था उसको, लेकिन वो कितना टी शर्ट खरीद लिया, मैंने उनसे थ्री टी शर्ट खरीद लिया। ये होता है लैंडिंग पेज का बेनिफिट। ठीक है, तो जैसे ही बंदा थ्री टी शर्ट खरीदेगा उसके बाद उसको कहाँ जाएगा, थैंक यू पेज पे, थैंक यू पेज पे चले जाएगा। ठीक है, तो हम एक बेच रहे थे, कितना टी शर्ट, एक टी शर्ट बेच रहे थे। अगर हम अपने लैंडिंग पेज एक बनाए और वो कार्ड वाले ऑप्शन पे गया पेमेंट करने के लिए, हम वहाँ पर उसको बोल दिए कि अगर एक टी शर्ट आप खरीदते हो 399 में, अगर आपको तीन टी शर्ट आपको 699 में मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, ये खरीदेगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, अपसेल मिल गया, तो हमको बेनिफिट हो गया। तो और जैसे ही वो मतलब ये खरीदेगा थ्री टी शर्ट तो वो कहाँ जाएगा, थैंक यू पेज पे जाएगा। ठीक है, तो इससे बेनिफिट आपको मिलेगा लैंडिंग पेज के बनाने से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि लैंडिंग पेज क्या है, नहीं है, कैसे लैंडिंग पेज का मतलब कैसे यूज़ होगा, बेनिफिट कैसे होगा लैंडिंग पेज का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सोचेंगे मतलब कोशिश कर रहे हैं कि इसको और भी अच्छा से समझाने का। ठीक है, इस वीडियो में जो आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, अगर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं या कोई भी देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो पहली बार आए हैं, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि मोटिवेट हमको भी मिलेगा और आपको अच्छा से और भी अच्छा से मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग के जो भी कोर्स है सारा कोर्स को मैं अच्छा से समझा सकूँ और आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि और भी अच्छा तरीके से हम जानेंगे कि लर्निंग पेज क्या है, कैसे काम करेगा। ठीक है, तो अगर एक और मैं बताना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट लोग के लिए, अगर आप घर में बैठे हुए अगर कुछ अर्निंग करना चाहते हो पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो हमारे कोर्स को ज्वाइन करो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, इसमें सारा कोर्स आपको कराया जाएगा, सिलेबस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, दिया हुआ है, और इसमें हम सारा डिजिटल मार्केटिंग का सारा कोर्स हम इसमें अवेलेबल करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर। तो अभी अगर ज्वाइन नहीं किया हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। ठीक है, और आप घर पे बैठे बैठे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप घर पे बैठे बैठे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो लर्निंग मतलब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। एक मतलब बहुत सारे मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बताऊँगा, कुछ तो आपको बेनिफिट आएगा, कुछ तो समझ में आएगा, कोई भी कोर्स तो आपको समझ में आएगा जिसपे आप काम कर सकते हो, काम करके आप अच्छा खासा घर बैठे बैठे कमा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हो कुछ अर्निंग करना तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस चैनल से जुड़े रहो। मैं आपको पर डे शाम का 7 बजे पर डे एक एक वीडियो आपके लिए लेते आता रहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से, कि आप इस कोर्स को कंटिन्यू कर सको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्या समझे नहीं समझे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।